हाय फ्रेंड्स, संगीता विश्वरूप चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, चाट खाना कौन नहीं चाहता, सभी को चाट बहुत पसंद होती है, पर अक्सर हम बाहर जाकर चाट खाना अवॉइड करते हैं। पर हम घर पर ही थोड़ी सी प्री प्रिपरेशन और प्री प्लानिंग कर लें तो हम वीकेंड में सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ मिलकर भरपूर चाट का आनंद ले सकते हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी और हाइजीनिक चाट। अक्सर हम आलू टिक्की चाट खाते हैं, आज हम इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट देंगे और बनाएंगे समोसा रगड़ा चाट। तो आइए अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। पर प्लीज, इंग्रेडिएंट्स देखने से पहले आप मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल संगीता विश्वरूप पर, और जी हाँ, बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि मेरी सभी रेसिपीज आप तक तुरंत पहुंच सके। समोसा रगड़ा चाट के लिए हम पहले रगड़ा बनाएंगे। रगड़े के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स लिए हैं मैंने, अदरक मिर्ची और लहसुन का पेस्ट, ये है छोले मसाला, रोस्टेड जीरा पाउडर, नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, एक प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया है, दो टमाटर बारीक कट कर लिए हैं, और ये ड्राई मटर है, ड्राई मटर, इसको मैंने रात भर पानी में भिगो के रखा है सूखे मटर को, और उसको मैंने 3 सीटी ले लिया प्रेशर कुकर में, और 2-3 मिनट के लिए गैस को धीमी आंच पर रखकर गैस बंद कर दिया है। इस तरह से मैंने ये मटर पका लिए हैं। थोड़ा सा इसमें हल्दी डाला है और नमक डालकर मैंने इसको पका लिया है, और हमें लेना है तेल। रगड़ा बनाने के लिए मैंने 3 चम्मच तेल गरम किया है, गैस को धीमा कर देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक मिर्ची और लहसुन का पेस्ट, साथ में डाल देते हैं थोड़ा, एक बारीक प्याज मैंने काट लिया है, सबको थोड़ा सोते करेंगे, इसकी रॉ स्मेल निकल जानी चाहिए अदरक मिर्ची लहसुन की। ये मैंने प्याज और अदरक मिर्ची लहसुन को अच्छी तरह सोते कर लिया है 1/2 मिनट के लिए। अब हम इसमें डाल देते हैं सूखे मसाले। सबसे पहले डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, फिर लाल मिर्च पाउडर हम डालते हैं 1 टीस्पून, आप अपनी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं सभी मसाले, और अब डालेंगे 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, फिर डालते हैं जीरा पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर है 1/2 टीस्पून, और गरम मसाला डालेंगे 1/2 टीस्पून। सबको मिक्स कर देते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा छोले मसाला भी लिया है, बहुत अच्छा स्वाद आएगा इससे, इसको मैं थोड़ा छोले मसाला भी अभी डाल देती हूँ इसमें 1/2 टीस्पून। सबको मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें ये बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे, 2 टमाटर मैंने बारीक काट कर लिए हैं। टमाटर को भी हमें थोड़ा सोते करना है और थोड़ा इसको गलाना है, मैश करते जाना है। फ्रेंड्स, ये टमाटर को भी मैंने अच्छी तरह 2 मिनट के लिए कुक कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये मैं पकाए हुए मटर। मटर को मैंने आपको बताया रात भर पानी में भिगो के रखे हैं, 3 सीटी ली है, फिर थोड़ी देर के लिए मैंने धीमी आंच कर दी थी। इसमें मैंने हल्दी और नमक डालकर इसे पकाए हैं। ये मटर हम इसमें मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वादानुसार। फ्रेंड्स, गरम मसाले के साथ मैंने इसमें थोड़ा छोले मसाला डाला है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसमें, सुगंध आ रही है। यदि छोले मसाला नहीं है तो आप थोड़ा सा पाव भाजी मसाले का टच भी इसमें दे सकते हैं, बहुत अच्छा स्वाद आएगा। अब हम इसको थोड़ा सा उबलने देते हैं। फ्रेंड्स, यदि मटर में पानी कम है तो आप थोड़ा पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी सेट कर सकते हैं। मेरी सभी फ्रेंड्स को समोसे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने एक बार इसको रगड़े के साथ कॉम्बिनेशन करके और किटी पार्टी में उनको समोसा और रगड़ा चाट खिलाई थी, सभी को बहुत पसंद आया ये नई डिश, इसलिए मैं आज आपके साथ ये डिश भी शेयर कर रही हूँ। आपको भी बहुत पसंद आएगी ये डिश, जरूर बनाइए। फ्रेंड्स, इसको अब मैं थोड़ा सा उबालना है हमें, इसलिए ढक देती हूँ, और 3-4 मिनट के लिए हम इसको अच्छी तरह उबाल लेंगे। अब 3-4 मिनट हो गए हैं, ये हमारे मटर अच्छी तरह से हो गए हैं, कुक हो गए हैं। अब हम इसको गैस बंद कर देते हैं और समोसा बनाने की तैयारी करते हैं। घर पे जो हम समोसा बनाते हैं वही हमारे रूटीन के इंग्रेडिएंट्स है समोसा बनाने के लिए।
गरम मसाला लिया है मैंने, लाल मिर्च पाउडर, नमक, अमचूर पाउडर, एक मिर्ची को हमें बारीक कट कर लेना है, तीन आलू मैंने उबालकर हाथ से थोड़ा मैश कर लिया है, सौंफ, धनिया पाउडर, एक कप मैदा, दो चम्मच रवा और तेल। सबसे पहले हमें समोसे का आटा गूंथना है, इसके लिए हम लेंगे एक कप मैदा बॉल में लेंगे और दो चम्मच रवा या सूजी जिसे कहते हैं, उसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और अब हम इसमें डाल देते हैं, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं हाथ से और एक चम्मच तेल हम मोयन के हिसाब से डाल देते हैं और एक बड़ा चम्मच लिया है मैंने और इसको अब हम अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेंगे। अब तेल मिक्स कर लिया है, अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर कड़क आटा गूंथना है जैसे कि अक्सर हम समोसे के लिए गूंथते हैं। ये हमारा समोसे का आटा तैयार है, अब मैं इसको ढककर हम 10 मिनट के लिए रख देंगे, तब तक हम स्टफिंग बनाएंगे। स्टफिंग बनाने के लिए हम बॉल में ये उबालकर मैश किए हुए तीन आलू हैं इसको ले लेते हैं और इसमें हम एक हरी मिर्च मैंने बारीक कट कर ली है वो इसमें मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, आप आपकी इच्छा अनुसार सभी मसाले कम ज्यादा कर सकते हैं, जो भी मसाले आप प्लस माइनस करना चाहें वो भी इसमें कर सकते हैं। थोड़ा सा धनिया पाउडर हम इसमें मिला देते हैं, हाफ टी स्पून। सौंफ, सौंफ का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, 1 टीस्पून मैं सौंफ इसमें डाल रही हूँ। और अब हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, आप काली मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं गरम मसाले की जगह। और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अमचूर पाउडर से समोसे में। और अब डालते हैं लास्ट में स्वादानुसार नमक थोड़ा सा और सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये हमारा स्टफिंग रेडी हो गया है, अब हम समोसे बनाएंगे। अब हम ये समोसे का आटा बाहर निकाल लेते हैं और इसमें से हमें छोटी लोई तोड़ेंगे और उसको पूरी की तरह हमें बेलना है। आप चाहे तो थोड़ा तेल लगा के बेल सकते हैं या फिर मैदा लगा के भी इसे बेल सकते हैं। मैंने ये रोटी को एकदम पतला बेल लिया है, अब हम इसको बीच में से कट लगाएंगे, दो इक्वल पार्ट करेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा एक आर्टिस्टिक लुक दे रही हूँ, अपना रेगुलर समोसा होता है उसे हम इस तरह से इसके बीच में से इसे कट्स लगाएंगे, बहुत अच्छा डिजाइन इस समोसे पर आएगा। ये इस तरह से मैंने सारे कट्स लगा लिए हैं। अब ये हम दूसरा वाला जो पार्ट है इसको उठा के इस पहले वाले पार्ट पर रख देंगे। अब हम इस दोनों पड़ को एक साथ उठा लेते हैं, इस तरह से हम इसको उठा लेंगे और हम इसको अब समोसे का शेप देंगे। शेप देने के लिए हम इस तरीके से जो हम रेगुलर समोसा बनाते हैं इस तरह से हम इसको समोसे का शेप देंगे, अच्छी तरह से इसको चिपका देंगे साइड में से और इस तरह से इसको अच्छी तरह से हम दबा देंगे और समोसे का शेप देना है हमें। बीच में ये आलू हो गया है और इसमें अब हम ये हमारा स्टफिंग भर लेंगे आलू का, जितना भी स्टफिंग आप चाहें या इसमें आसानी से रह जाए उतना स्टफिंग, ऑलमोस्ट 1 चम्मच 1.5 चम्मच हमें इसमें भरना है। और अब हम इधर से भी इसको सील कर देंगे, आप चाहें तो थोड़ा पानी लगा के भी सील कर सकते हैं और वैसे ही सील हो रहा हो तो वैसे भी कर सकते हैं, पर खुले नहीं इसलिए हम थोड़ा सा पानी इसमें हम लगा देते हैं और इसको हम अच्छी तरह से समोसे का शेप दे देंगे। ये रहा सारा समोसा हमारा, इस तरह से डिजाइनर समोसा बन गया है।
अब बाकी के समोसे भी हम इसी तरह तैयार कर लेंगे और सबको डीप फ्राई करेंगे। इसलिए मैं इसी तरह मैंने दूसरे समोसे के लिए भी ये रोटी बेल ली है। अब बीच में से हम इसको इक्वल दो पार्ट कर लेते हैं और इसी तरह से फिर से कट लगा देंगे बीच में से इक्वल डिस्टेंस पे। ये कट लगा दिया और ये दूसरा वाला पार्ट भी हम इसी के ऊपर रख देते हैं। इसको हम इस तरह से चिपकाते हुए उठा लेंगे तो ये अलग नहीं होगा। यहां से मैं चिपकाते हुए उठा लेती हूँ इसको तो ये अलग नहीं होगा और फिर हम इसको आसानी से उठा सकते हैं। और इसको अब हम फिर से समोसे का शेप देंगे। आप चाहे तो इसको अंदर की तरफ भी मोड़ सकते हैं या बाहर भी ऐसा समोसे का शेप दे सकते हैं। और इसमें अब हम स्टफिंग भरेंगे। ये हमारा दूसरा समोसा भी रेडी है। इसी तरह मैं बाकी के समोसे भी रेडी करती हूँ। अभी हमारा तेल भी गर्म हो गया है, इसमें हम समोसा डालेंगे और डीप फ्राई करेंगे। ये हमारा समोसा गोल्डन हो गया है, रेडी है एकदम। तलकर हम इसको निकाल लेते हैं, बाकी के समोसे भी इसी तरह तल लेंगे। ये हमारे सारे समोसे तलकर रेडी हो गए हैं, रगड़ा भी हमारा रेडी है। और चाट बनाने के लिए मैंने ये इमली की चटनी, हरी चटनी और सेव, चाट मसाला, बारीक लाल टमाटर, प्याज और हरा धनिया लिया है। इससे अब हम चाट को असेंबल करेंगे। ये हमारी समोसा रगड़ा चाट सर्विंग के लिए रेडी है। फ्रेंड्स, आपको ये मेरी समोसा रगड़ा चाट की रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिए।